मधुरिमा का पाठ नंबर 4, सुख की कुंजी। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने सुख की कुंजी यानी कि दुख के बाद सुख आता है, वैसे ही प्रचंड गर्मी के बाद में घनघोर वर्षा और वर्षा के बाद सर्दी आती है। बच्चों, आपको आजकल पता होगा कि कौन सा मौसम चल रहा है, गर्मी। आइए अब इस कविता के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तपती धरती तपता अंबर, कण कण बना अंगारा, झुलस रही है हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा। कहने का तात्पर्य यह है कि धरती अंबर सभी तप रहे हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में सूरज की गर्मी इतनी अधिक होती है जिसके कारण आसमान से लेकर के सभी कुछ अत्यधिक गर्माहट से भरा और अंगारे की तरह महसूस होता है। इसी कारण सारी हरियाली गर्मी से झुलस रही है और सारा जग यानी कि संसार भी त्रस्त है। पक्षी दुबक रहे नीड़ों में, पशु सब हाँफ जाते, छाया भी छाया पाने को सिकुड़ रही शर्माते। पक्षी घोंसलों में छिप करके बैठ जाते हैं और जानवर गर्मी के कारण हाँफने लगते हैं। ऐसे में पेड़ों की छाया भी ऐसा लगता है कि स्वयं इस गर्मी से बचने के लिए गर्मा कर किसी और छाया की तलाश कर रही है। छाया सड़कों पर सन्नाटा, तपी जेठ की गर्मी, सूख गई धूप खेत की, नहीं नाम की नरमी। सड़कें सुनसान हैं क्योंकि यह तपती हुई जेठ की गर्मी है। यहाँ तक कि खेतों में सामान्य तौर से पाई जाने वाली घास तक सूख चुकी है और उसमें कहीं नमी नहीं दिखाई दे रही है। जेठ तपे तो बरखा आई, रिमझिम बरसे पानी, तपन मिटे धरती की सारी, लहरें खेती धाने। जेठ की तपती हुई गर्मी से जब सारा जनजीवन त्रस्त हो जाता है, तब प्रकृति के बदलाव से रिमझिम पानी बरसने लगता है। ऐसे में सूखी धरती की तपन अर्थात गर्मी मिट जाती है और हरी भरी फसलों का झूमना और खेतों में हरे पीले रंग के धान के पौधे बहुत ही मनमोहक लगते हैं। जो तन जितना कष्ट झेलते उतना ही सुख पाते, तपना ही सुख की कुंजी है सबको बतला जाते। बच्चों, इस कविता के माध्यम से भगवती प्रसाद जी ने ये कहने का प्रयास किया है कि जो व्यक्ति जितना कष्ट झेलता है उतना ही उसे सुख प्राप्त होता है, या ये भी कहा जाए कि कष्टों का अंत सुख का प्रतीक है। ये हमें और आपको समझना चाहिए। बच्चों, इस पाठ से यह संदेश मिलता है कि कष्टों को सहकर ही हम अपना लक्ष्य निर्धारण करते हैं। धन्यवाद।